मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम प्रॉब्लम्स अभी कंटिन्यू कर रहे हैं इनफैक्ट, तो सिचुएशन वेल आई एम जस्ट रीड द प्रॉब्लम हियर। शॉर्ट एग्जांपल ही है, इट इज ऑन पेज नंबर 121 एंड द प्रॉब्लम नंबर इज 57। A liquid drop of mass 1 gram, falls from the height of the cliff. The height of the cliff is 1 kilometer. It hits the ground with a speed of, say the final velocity is equal to 50 meters per second. यह आपको दिया गया है। What is the work done by the unknown force? आपको g लेने को बोला गया है 9.8 meter per second square. This is what you expect to take the value of g. अभी जैसे अपने लास्ट टाइम मैंने डील किया था कि एक पार्टिकल को ऊपर से फेंक दिया, आपने छोड़ दिया ऊपर से, द काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड द पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी शुड पुट इट दिस वे। सिचुएशन यहां पर ऐसी है कि ड्रॉप वेट इज रिलीज्ड एक पर्टिकुलर हाइट से, वो नीचे गिर रहा है, द मास इज फॉलिंग, डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज, बट वी वॉन्ट टू टेक इन टू अकाउंट द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेस। द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस हमको कंसिडर करना है। नाउ दीज रेजिस्टिव फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। हमको निकालना है वर्क डन, निकालना है, वी आर सपोज टू फाइंड द वर्क डन बाय द अननोन फोर्स एंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये निकालना है। एक बेस्ट तरीका जो आपको याद रखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपको निकालना क्या है, द वर्क डन बाय द अननोन फोर्स, द वर्क डन बाय द अननोन फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय द अननोन फोर्स दैट इज द रेजिस्टिव फोर्सेस, ये आपको निकालना है। आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे टू गेट द रिजल्ट। सो नाउ व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। याद रखेंगे आप दैट ऊपर से जब आपने रिलीज किया तो मान लेते कि इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो और यहां पर उसकी वेलोसिटी हो चुकी है बी, तो व्हाट वी हैव हियर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बिकॉज यू इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम का मतलब होता है 10^-3 velocity it has acquired is equal to 50, so this is 50 square, तो आपको ये मिलेगा 2500 upon 2 into 10^-3, so this will be equal to 2.5 in upon 2 which is 1.25, so this is what increase in kinetic energy is this। मैं इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोलूंगा, जस्ट से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट अबाउट द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल। ग्राउंड लेवल पे हम जीरो ले लेते हैं, हाइट इज इक्वल टू जीरो, सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर दिस विल बी इक्वल टू mgh, सो वी हैव -10^-3 9.8 1 kilometer
का मतलब होता है 1000 मीटर्स. सो अल्टीमेटली आंसर यू हैव गॉट हियर इज 9.8 जूल्स. आपका आंसर मिला. दिस इज व्हाट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इट्स वेरी क्लियर. कैसा गया देख लीजिए आप. द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस मच. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू दिस. मैंने फॉर्मूला कौन सा बताया आपका, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. दिस चेंज इज इक्वल टू 1.25, दिस इज माइनस 9.8. जो भी आता है उसको आप निकाल लेंगे. दस दस मेरे ख्याल से दिस इज अ बेटर वे आउट. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मीनिंग लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल. दैट्स इट. सो वेल, आंसर आपका आता है 9.8 माइनस 1.25. सो दिस विल बी 5, 7 मीन्स 5 हो गया एंड दिस इज इक्वल टू 8. सो आंसर इज माइनस 8.55 जूल. दिस इज आंसर. दैट्स व्हाट क्लियर. प्रॉब्लम नंबर 58 कैसा दिया है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है. बॉडी ऑफ द मास इज गिवन, वेलोसिटी भी दी गई है एंड व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2. वेल, मेरा सजेशन ये है कि सॉल्यूशन के अंदर स्पेशल ध्यान में देंगे आप. 58 में कैसा देख लीजिए, मास इज इक्वल टू 0.5 kg ये दिया गया है. वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्स रेस टू 3/2. एक्सीलरेशन नाउ ए स्टैंड फॉर व्हाट, इट इज 5 मीटर पर सेकेंड. इट इज नॉट मीटर. वेल एनीवे वी शुड चेक दिस आउट. माइनस हाफ एंड दिस इज एस रेस टू माइनस 1. What is the work done by the net force during the displacement from x is equal to 0 to x is equal to 2 meters? Yeah, I'll tell you. Now, precisely here, just like last time I told you, what is the work done by the force into displacement? We need. You have a sense of the thing. तो जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट्स इट. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बाकी किसी चीज को सोचने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है. वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. तो एक काम करेंगे, दिस वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ए एक्स रेस टू 3/2. तो इसका मतलब यह होगा दिस इज 5x, 0 है इनिशियल 0, तो दिस विल बी इक्वल टू 0. व्हेन x इज इक्वल टू 0, मैं इसको v0 करके मार्क करता हूं. x इज इक्वल टू v2 करके मार्क करता हूं. व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2, सो दिस इज a x रेस टू 3/2. आपका a कितना दिया है 5 एंड x इज इक्वल टू हाउ मच, x इज इक्वल टू 2. So 2 raised to 3/2. Cube I by R. 2 cube means I 8 and root of 8. So I have an SL 5 root of 8, which is equal to 5 2 root 2. This is equal to V2. So your work done is equal to change in kinetic energy, which is half M. Ek kaam karenge, half m v2 square minus half m v0 square. ये क्या है आपका, दिस इज द फाइनल
एंड दिस इज इनिशियल वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो उसके बेसिस पे मुझे मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम और ये रहेगा वी टू स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू हाफ। मास कितना दिया गया है, इट इज इक्वल टू 0.5 इट इज गिवन एंड वी टू कितना है स्क्वायर है, तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच 5 √2 द होल स्क्वायर माइनस जीरो, सो दिस इज इक्वल टू 0.5 को मैं लेता हूं हाफ तो ये रहेगा 1/4, इट्स वेरी क्लियर ये माइनस जीरो है ध्यान में रखेंगे दिस इज माइनस जीरो, सो दिस विल बी इक्वल टू 25 इंटू 4 इंटू 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड द आंसर इज इक्वल टू 50 जूल्स मस्ट बी द आंसर। वेल स्पाइक डेफिनेटली होनी चाहिए, वर्क डन निकालने को बोला गया है और वहां पर फोर्स नजर ही नहीं आ रहा है, देयर इज नो फोर्स व्हिच इज इन्वॉल्व्ड है, तो ये स्पाइक होनी चाहिए कि वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो ये जीरो आ गया, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 वी गॉट दिस डिफरेंस आपने निकाल दिया टू गेट द रिजल्ट। प्रॉब्लम 59 देख लीजिए किस प्रकार से दिया, पार्टिकल ऑफ मास 12 kg एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स व्हिच इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू -10, व्हाट विल बी द स्पीड एट x इज इक्वल टू 10 इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो प्रॉब्लम को 59 में सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन द डेटा व्हिच इज गिवन टू यू, 59 में कैसा देख लीजिए व्हाट्स गिवन देयर, मास इज इक्वल टू 12 kg ये है यहां पर, इट इज एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू 100 माइनस 2x2, कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू -10 and what will be the speed when x is equal to 10 meters? Well, how to deal with this now? Force यहाँ पे दिया गया है, लेकिन आपको ये मैंने discussion कर लिया है कि work done is equal to force into displacement if f is constant. लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हो रहा है, एफ इज नेवर कॉन्स्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन एक्स, एक्स बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, सो वर्क डन इज इक्वल टू एफ टी एक्स, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 - 10, आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर। यहां पर फोर्स कॉन्स्टेंट रहता था तो ये डायरेक्टली मिल गया रहता, बट ये द फोर्स इज नेवर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं है, आप इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसा है 0 - 10, तो यहां पर योर वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेशन 0 - 10, फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हो 100 - 2x² dx मिल गया आपको, सो वर्क डन इज इक्वल टू 100, उसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो कितना मिलेगा 100x मिलेगा, बिकॉज वहां पर x रेस्ट टू 0 मान लेते पहले से ही है, पावर एक इससे बढ़ा दिया तो x आ गया -2x³/3 एंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन -10 - 0, तो यहां पर मुझे अल्टीमेटली मिलेगा द वर्क डन इज इक्वल टू हाउ मच, द वर्क डन विल बी इक्वल टू अपर लिमिट में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मुझे मिलेगा 100 × -10 - 2 × 10³ अगर मैं लेता हूं तो इट इज इन फैक्ट -10³/3 और अल्टीमेटली 0 जब मैं लूंगा तो ये 0 हो जाएंगे छोड़ दीजिए उसका, सो वी हैव वर्क डन इज इक्वल टू -1000 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच,
10 क्यूब माइनस साइन आ जाएगी, दिस विल बिकम प्लस 2 टाइम्स 1000 अपॉन 3। सो यहां से मैंने क्या किया, 1000 बाहर निकाल दिया एंड दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेंड। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम में क्या पूछा गया, व्हाट विल बी द स्पीड एट x इज इक्वल टू 10 इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। If it starts from rest, now this is the force which is acting on it. If this is the amount of work done, let us suppose, then this work done will be converted into kinetic energy. And since it is starting from rest, मैं ऐसा लिखूंगा, this is half mv square minus zero में लेता हूँ, because initial velocity is equal to zero. Work done is getting converted into kinetic energy. This is the amount of work which has been done. तो यहां पर मुझे मिलेगा v square is equal to 2 times 303.3 upon mass which is equal to 12. So V is equal to root of this quantity here divided by 6. Approximate answer अगर मुझे निकालना है, approximation उसकी भी आधा भाग पर डालना बहुत जरूरी है। This is equal to root of अभी कितना है 5 में जाएगा, 13 is 3 again 5, this is what you get in. The answer should be greater than 7. Root of 49 is equal to 7. So this answer has to be greater than 7. And in fact, the answer is 7.45. What do you mean exactly mean by this free body diagram? जब आप problems solve करते हैं involving forces और वहां पर आपको Newton's laws of motion apply करना, मैं repeat कर रहा हूं, when we are solving problems involving forces और जहां पर Newton's law आपको apply करने पड़ते हैं, then the diagram showing all the forces involved, then the diagram showing all the forces acting on each object, the diagram will show the forces acting on each object, उसको हम बोलेंगे free body diagram। तो एक बॉडी के ऊपर जो भी फोर्सेस एक्ट करते हैं उसका डायग्राम जब आप बनाएंगे उसको बोलेंगे आप फ्री बॉडी डायग्राम। इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे समझ लेंगे सबसे पहले, बाकी के भी प्रॉब्लम्स टेंशन में बेस काफी करना है समझ में आगे। टू बॉडीज ऑफ मासेस 2 केजी एंड 4 केजीज आर कनेक्टेड एट द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास दैट पासेस ओवर एन आइडियल पुली। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। Precisely, problem किस प्रकार का है देख लीजिए आप, दिस इज द पुली here और द masses are suspended like this from the ends of the pulley. एक तरफ 2 kg का mass है और एक तरफ 4 kg का mass है। इसको मैं लेता हूं एज m1 इक्वल टू 2 kgs एंड दिस इज m2 इज इक्वल टू 4 kg। टेंशन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। मैं इसका भी रीजन भी एक्सप्लेन करता हूं कि एग्जैक्टली वो कह रहा है। अगर आपने एक स्ट्रिंग लिया, इट इज जस्ट सस्पेंडेड लाइक दिस, You won't feel any tension on the string. लेकिन अगर आपने उसको एक ब्लॉक अटैच कर दिया तो डेफिनेटली यू कैन फील द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग। द काइट विच इज इन एयर, जो पतंग हवा में रहती है, तो डेफिनेटली आपके फिंगर्स पे उसका टेंशन यू कैन फील इट।
अब उसको होल्ड करके रखे हैं, इसलिए इट इज फाइन, छोड़िए तो डेफिनेटली इट विल गो अवे. देयर इज फोर्स अलोंग द स्ट्रिंग जिसको हम बोलते हैं टेंशन. मैंने 1 kg का ब्लॉक अगर यहां से अटैच किया है 2 मिनट के लिए मान लीजिए, द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग हैज टू बी इक्वल टू 1 kg वेट. Force acting in the downward direction is 1 kg. The force exerted, the force along the string is equal to 1 kg. Isn't it balanced? अब 2 kg का block अगर attached हो जाए तो आप note करेंगे कि tension बढ़ जाता है. आप इस string को hold करेंगे तो definitely you will feel that it has more tension. जैसा वजन बढ़ते जाएगा the tension on the string will definitely go on increasing. This is what will happen. और ये आप नोट कर सकते हैं, इफ यू ट्राई टू लिफ्ट दिस फ्रॉम हियर, 1 kg का लोड फील द टेंशन, 2 kg का लोड फील द टेंशन. डेफिनेटली आपको समझ में आएगा कि 2 kg का लोड जब अप्लाई करते हैं, अटैच करते हैं, तो डेफिनेट टेंशन इज इंक्रीज. पतंग जितने दूर जाएंगे इन एयर, उतना ज्यादा टेंशन यू कैन फील इट ऑन योर फिंगर. Now, how to deal with the problems of this type? This is the full year. इसको डील करने का तरीका क्या है? और एक बात समझ लीजिए, अगर स्ट्रिंग ऐसा घूम घूम के इधर की तरफ आ रही, सेम स्ट्रिंग टेंशन विल रिमेन सेम. इसको यहां रख लीजिए आप एज अ रूल, द टेंशन इज सेम. मैं रीजन बताओ, व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज सेम स्ट्रिंग इज पासिंग ओवर द पुली, सो द टेंशन विल रिमेन सेम. इट कैन बी वेरी क्लियर. Now, how to write the equation for this block? Let us suppose string is inextensible. तो मैं बोलता हूँ कि ये block ऊपर जा रहा है with acceleration equal to a, और यहाँ से नीचे आएगा with acceleration equal to a. This is very clear. ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं. सबसे पहली बात, the same string is passing over, the tension will remain same. ये 2 kg का block है, इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा. Now the forces acting on, और एक बात समझ लीजिए आप, well the forces acting on this block here, force acting in the upward direction is T, force acting in the upward direction that is equal to T, force acting in the downward direction is equal to m1g, the weight acting in the downward direction. This is equal to force acting in the upward direction. Acceleration अगर a है तो net force कितना रहेगा? m1a. Up minus down, net force acting in the upward direction is equal to forces acting in the upward direction minus force acting in the downward direction. ये force है upward direction, इसमें minus downward force अगर रहेगा तो आपको minus sign देनी पड़ेगी. So T minus force acting in the downward direction. Now the block is moving with an acceleration equal to a. तो हम बोलेंगे when the acceleration is equal to a, आप क्या बोलेंगे? Net force acting on it is equal to m1a. बाकी की चीज छोड़ दीजिए आप. आपने देखा कि block is moving up with an acceleration equal to a. तो आप क्या बोलेंगे? What is the force acting on it? It is m1a. ये बोल दिया तो बात. तो that's the equation which is obtained. Block 2 पे concentrate करो. It is moving in the downward direction. So force acting in the downward direction क्या है? m2g. Force acting in the upward direction is minus t, and this is equal to m2a. आपने नोट किया कि ब्लॉक आपका नीचे जा रहा है, एक्सीलरेशन a है, तो मैं क्या बोलूंगा? फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? m2a. Now force acting in the downward direction is equal to down minus up. It's very clear. Force acting in the downward direction is equal to down minus down. Force acting in the downward direction will be down minus up, which is equal to force acting in the downward direction. ये दो equation आपको मिल गए. और एक बात ध्यान में रखेंगे, अगर धारा नहीं रहेगा तो block नीचे आएगा with an acceleration equal to g.
But acceleration will be equal to g if the block is left to itself. Free fall, जिसको बोलते हैं। धागा काट दे तो यहाँ से नीचे आएगा। Acceleration कितना रहेगा? It will be equal to g. It is evident from the equation. Force acting in the downward direction इतना है, but there is a tension on the string acting in the upward direction जिसके कारण ऊपर जा रहा है। तो प्रेशर के बोलते साथ नहीं क्या? अगर मैंने तोड़ दिया धागे को यहां से, it will move in the downward direction, the acceleration equal to g. But it is because of the force acting in the upward direction, which is t, it is going in the upward direction. So anyway, यहां पर भी मैंने इसको तोड़ दिया, it will move in the downward direction, the acceleration equal to a, ये निकल गया, acceleration a रहेगा. But precisely what is happening? Because of the T acting in the upward direction, the acceleration definitely will become less. Because T knows to hold karke rakha isliye. The net force is acting is what? Net force acting is T acting in the upward direction. The net force kitna rahega? Force will be equal to mg, mg2. It will be equal to weight acting in the downward direction minus weight force acting in the upward direction. Force acting in the downward direction kya hai? Into g. माइनस क्या किया? फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. देख लीजिए सीक्वेंस कैसा ले रहा हूं मैं. फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. वेल एनीवे ये दोनों इक्वेशंस को अभी हम सॉल्व करते हैं. मैं दूसरा इक्वेशन यहां पे लिख लेता हूं. दिस इज t माइनस m1 g इज इक्वल टू m1 a. ये दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, आई जस्ट ऐड देम, तो मुझे मिलेगा m2 g माइनस m1 g इज इक्वल टू m1 प्लस M2A. And so we have A is equal to, kya bolenge aap? It is M2 minus M1 into G upon M1 plus M2. To aapka acceleration rahega, M2 kitna hai 4, M1 kitna hai 2, G kitna lena hai humko? G is to be taken as 9.8 लेकिन 10 है, मुझे देखने दीजिए आप. इट इज टेकन टू बी इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस 2. तो एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू 2 इंटू 10 अपॉन 6. तो दिस विल बी 10 अपॉन 3. सो दिस विल बी 3.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दो इक्वेशन लिखने का तरीका समझ में आना चाहिए. दिस इज गोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अप माइनस डाउन. दिस इज गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो द नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना रहेगा? इट विल बी इक्वल टू एम टू ए एंड एम टू ए इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस फोर्स एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. आपने दोनों इक्वेशन को एड कर लिया यहां पर. यू हैव जस्ट एडेड द टू इक्वेशन और दो इक्वेशंस को ऐड करने के बाद दिस विल गेट कैंसल्ड. ये रिजल्ट आपको मिल गया. अभी सिर्फ आपको टी निकालना है. तो टी निकालने के लिए मैं इधर की तरफ फिर से आ रहा हूं. टी निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा? टी इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम वन जी विच इज इक्वल टू एम वन ए प्लस जी एंड सो टी इज इक्वल टू टू इंटू ए. ए कितना निकाला अपन ने? 33 नहीं, इट इज 3.33 प्लस जी विच इज 9.8 एंड यू कैन गेट द रिजल्ट. सो एनीवे आई थिंक द पॉइंट इज वेरी क्लियर. इस प्रकार के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम डील करने वाले हैं. स्ट्रिंग जब एक रहेगी तो टेंशन विल रिमेन सेम. टू रिमेंबर दिस. टेंशन पे बेस्ड और कुछ प्रॉब्लम्स में कल डील कर लूंगा.
तो मेरे ख्याल से इसको आप लिख लीजिए पहले अपनी किताब में, ट्राई टू फॉलो व्हाट इज बीन सेट, और फिर बिना देखकर आप इसको लिख लीजिए, तो बाकी के आने वाले जो प्रॉब्लम्स रहेंगे यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। थैंक यू।